नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं YouTube की A-Z सेटिंग्स। अगर आप YouTube की सिम का यूज करते हैं, YouTube को आप जानना चाहते हैं, YouTube की आप इंफॉर्मेटिव नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube की A-Z सेटिंग्स क्या है, YouTube की ऑल इन वन सेटिंग्स क्या है, YouTube की सभी काम की सेटिंग्स क्या है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। आज हम YouTube की ऑल इन वन सेटिंग, YouTube की सभी सेटिंग्स, YouTube की काम की सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल की ये वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएं। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें। YouTube बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐप से हम सभी यूज करते हैं, मैं ये वीडियो YouTube पर ही अपलोड करता हूं। अगर YouTube की सेटिंग्स ही हमें मालूम नहीं है, तो YouTube को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे यूज में लेंगे? अगर आप YouTube के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएं। तो आइए देखते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube की A-Z सेटिंग्स। अगर आप एक YouTube यूज़र हैं, आई होप आप YouTube यूज़र होंगे क्योंकि YouTube पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube की A-Z सेटिंग्स क्या है, YouTube की ऑल सेटिंग्स क्या है। अगर आप YouTube यूज़र हैं तो ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। तो चलिए आज की ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपने YouTube के एप्लीकेशन पर जाना होगा, क्योंकि YouTube की ऑल एंड A-Z सेटिंग्स आपको YouTube एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो YouTube एप्लीकेशन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको करना क्या है, ये जो आपका प्रोफाइल पिक्चर आती है, आपका फोटो आता है, उस पर क्लिक करना है, जो भी आपका आ रहा हो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप के ऑप्शन आएंगे। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमें हमारा योर चैनल देखने को मिलता है, यहाँ आपको आपका चैनल देखने को मिलेगा। टर्न ऑन इनकोग्निटो मोड के अंदर आपको इनकोग्निटो मोड ऑन होगा, जिसमें आप इनकोग्निटो मोड को यूज कर सकते हैं। एड अकाउंट के अंदर आप अपना अकाउंट एड कर सकते हैं। गेट योर प्रीमियम, यहाँ से आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शनशिप ले रखी तो वो आ जाएगी। नीचे परचेज एंड मेंबर से प्लेयर की तो वो आ जाएगी। नीचे वॉच टाइम के अंदर वॉच टाइम आ जाएगा। योर डेटा इन यूट्यूब, आपका यूट्यूब पर क्या डेटा था वो आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है हमारे पास सेटिंग। सेटिंग्स पर हमने क्लिक करा, फर्स्ट में परचेज एंड मेंबरशिप, जो कि आप किसी भी चैनल की मेंबरशिप को परचेज करते हैं वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जनरल। जनरल पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ रिमाइंड मी टू ब्रेक, तो यहाँ से अगर आप अपना रिमाइंड लेना चाहते हैं कि यार मुझे 2 घंटे में, यार 15 मिनट में, या 20 मिनट में मुझे रिमाइंड आए कि आपको ब्रेक लेना है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे का ऑप्शन आता है कि रिमाइंड मी विन योर बेड टाइम, आप अपना बेड टाइम ऐड कर सकते हैं कि मैं इस समय सोता हूँ, ये मेरा सोने का समय, इस समय मेरे यूट्यूब ना चले। नीचे आता है एफ्रियंस, यहाँ पर आप अपनी थीम को सेट कर सकते हैं, आपको डार्क थीम चाहिए, लाइट थीम चाहिए, या आपको सिस्टम थीम चाहिए वो ले सकते हैं। एफ लैंग्वेज के अंदर आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, जो भी आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मोड के अंदर आप रिस्ट्रिक्टेड मोड लगा सकते हैं, यहाँ से अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड मोड लगाना है। नीचे स्किप फॉरवर्ड, अगर आप बैकवर्ड फॉरवर्ड को ऐड करना चाहते हैं कि जब भी मैं डबल क्लिक करके स्किप करूँ तो वो 10 सेकंड बढ़े, 20 सेकंड बढ़े, 30 सेकंड, 1 मिनट, जो भी वो ऐड कर सकते हैं। नीचे फिल टू स्क्रीन, फिल टू स्क्रीन, जूम स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी जूम स्क्रीन को फुल इन फिल कर सकते हैं, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। शो इन वीडियो इन कार्ड, अगर आप अपने वीडियोज़ को कार्ड पर देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन रखें। नीचे वॉच ऑन टीवी के अंदर आप वॉच ऑन टीवी देख सकते हैं, अगर आप अपने मोबाइल को अपने टीवी से कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं तो वो आएगा ऑप्शन। नीचे इंडियन लोकेशन आ जाएगी, यहाँ से कुछ ऑप्शन काम के नहीं निकलते हैं। ऑटो प्ले के अंदर आप ऑटो प्ले को ऐड कर सकते हैं कि आपकी जब भी वीडियो चलाएं वो ऑटोमेटिक मोबाइल में प्ले हो जाए, वो है। न्यू फीचर, अगर आप यूट्यूब के जब भी नए से नए फीचर आते हैं, अगर आपको ट्राई एंड टेस्टिंग करना चाहते हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं, ताकि यूट्यूब आपको वो फीचर प्रोवाइड करा सके। नीचे वीडियो क्वालिटी परफॉर्मेंस के अंदर आप वीडियो की क्वालिटी देख सकते हैं कि ऑटो में जब भी वीडियोज़ हम प्ले करें हमेशा हायर पे रहे हैं, लोअर पे रहे, वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे नेविगेशन सेटिंग आ रहा है, यहाँ से आप अपने स्मार्टफोन की नेविगेशन सेटिंग्स या नोटिफिकेशन सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का नोटिफिकेशन आए, ना आए, कैसा है, वो एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आपके सामने कनेक्ट ऐप्स के अंदर आप अपने मोबाइल के अंदर ऐप्स को कनेक्ट करते हैं, वो ऐप्स की कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है।
मैनेज ऑल हिस्ट्री के अंदर आप अपनी हिस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं कि कैसी हिस्ट्री है, क्या है, वो आप देख सकते हैं। नीचे प्राइवेसी के अंदर आप अपनी प्राइवेसी देख सकते हैं, और यहाँ पर ऑफलाइन के अंदर आप ऑफलाइन टूल्स देख सकते हैं, वीडियोस डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, वो अपलोड के अंदर आएगा, और लाइव चैट का ऑप्शन नीचे आएगा। तो ये थी यूट्यूब की ए टू जेड सेटिंग्स जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। आई होप अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इस चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ। आपने पहले से मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को जरूर पहुँचाएं। तो यह वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।